बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतानी वसवसे से कैसे बचेंगे, उसका इलाज क्या है? बकसरत जिसे वसवसे आते हों वो क्या करेगा, उसके लिए एक अमल, एक तरीक़ा, एक वजीफ़ा बताना चाहता हूँ। आमाल कुरानी, ये हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहु की तरफ इस किताब को मंसूब करते हैं। उन्होंने इस किताब के सफ़ा नंबर 10 पे लिखा है, शैतानी वसवसे से पनाह। खासियत, जिसके दिल में वसवसे शैतानी बकसरत पैदा होते हों वो इसको बकसरत पढ़ा करे, इंशाअल्लाह ताला उन वसवसों से महफूज रहेगा। क्या पढ़ना है? पारा नंबर 18 पे कुरान की आयत मौजूद है, रब्बी अऊदु बिका मिन हमज़ाति शैतानी وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَنْ يَحْزُرُونَ। बस छोटी सी आयत है, फिर से एक मरतबा पढ़ के आपको सुना देता हूँ। रब्बी أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَنْ يَحْزُرُونَ। हाफिज़ साहब जो आपके वहाँ मौजूद हों, कुरान की आयत याद रखते हों, उनसे रब्ता करिए, वो आपको लिख कर भी दे सकते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए। चलते फिरते उठते बैठते जितना ज़्यादा हो सके, दिन में किसी भी वक्त आदमी कामों काज करता है तो हाथ से करता है, ज़बान से तो काम करता नहीं है, इसीलिए काम करता रहे, कोई और किसी काम में मशगूल हो, लेकिन ज़बान से इस आयत को बार 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 पढ़ा करें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से, इसके पढ़ने से वसवसे की जो बीमारी है, शैतानी वसवसे हैं, वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें, और हमारा काम पसंद आए तो गूगल पे, फ़ोनपे या बैंक अकाउंट के जरिया मदद कर सकते हैं।